तो गाइस पिछले जो हम कुछ बेब्लेड्स बनाए हैं वो सारे बेब्लेड्स हमारे बेफालतू के गए हैं, मतलब वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे। तो इस बार हम आज फिलहाल के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया बेब्लेड बनाने वाले हैं और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम दुनिया का सबसे बढ़िया स्मूथ और लॉन्ग टाइम यूज के लिए जो कि बहुत दिन तक चलेगा ऐसा हम लॉन्चर बनाने वाले हैं। मतलब मैं आज दुनिया का सबसे बेस्ट होममेड टेबलेट बनाने वाला हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में के लिए बहुत बढ़िया होगा और उसका स्पीड माँ कसम इतना बढ़िया होगा चुम्मी ले लोगे। तो यार क्या क्या चाहिए तुम्हें दुनिया का सबसे बढ़िया बेब्लेट बनाने के लिए, मैं लाता हूँ। जो मैं 25 रुपए में अमूल ऐसे क्या बोलता अमूल कूल खाता था, जो मैं 25 रुपए में अमूल कूल खाया था उसका अपन ढक्कन यूज करने वाला है क्योंकि ये और ये टेप लगभग सेम दिखता है, सेम साइज का है और इसके ऊपर हम लगाने वाले कोई भी नॉर्मल सा ढक्कन, चाहे वो थम्सअप का हो चाहे वो फीस का हो, तो फिलहाल के फीस का है उसको हम इधर अंदर रख के दबा देंगे। देख सकते हो एकदम परफेक्ट फिट हो जाता है, ये देख सकते हो एकदम बढ़िया सा फिट होता है एकदम मस्त तरीके से। और ब्रह्मास्त्र तो हाँ ये जो स्पिनर है ये हम यूज करने वाले हैं। भाई साहब मैंने इसे ज्यादा यूज नहीं किया, मेरे को ये 90 रुपए में मिला था, यहाँ दुकान वाले अच्छे हो तो कम में मिल जाएगा। मेरे को ये कहीं पे 180 में मिला था लेकिन एक बार मेरे को मेले में 90 रुपए का मिल गया। तो फिलहाल के लिए इसका जो ये है होल्ड करने वाला इसे हम यूज करने वाला है इसके नीचे जिससे कि एक बेब्लेट टाइप दिखेगा, देख सकते हो। थोड़ा सा और लगाने के लिए आसपास कुछ लगा देंगे जिससे कि देखो दिखना मैटर नहीं है क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ दुनिया का सबसे बढ़िया बेब्लेड जो कि स्पीड में और काम में तबाही हो। तो देख सकते हो ये है 20 रुपए वाला कटर, बहुत ही बड़ा है ये और इसका सामने का हिस्सा टूट भी गया। यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा आई होप सो, तो यही मिडिल पॉइंट है तो बढ़िया है क्योंकि मेरे को मिडिल पॉइंट अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ से इतना वो कैसे बनाया हमने इससे हमने इसका आउटलाइन ड्रॉ किया और इसको काटते हैं। इसके आर पार देख पा रहे हो इसका मतलब है कि ये एकदम बढ़िया हुआ है। अब इसको ना इसके ऊपर हमको मिडिल में चिपकाना है, जरा रोशनी आ जाओ मतलब लाइट आ जाओ, रोशनी किसका नाम है मेरे को नहीं पता, आप में से किसी का अगर नाम है तो वैसा बहुत बढ़िया आप वीडियो में आ गए हमारे। अरे टच ही ना लगो एकदम मिडिल में लगो, हाथ चिपक गया। तो मैं अभी पढ़ रहा था और तभी मेरे को पता चलता है ये बेब्लेड है। तो अभी सूख चुका है, अभी देखते हैं लॉन्च होता है कि नहीं। ओ भाई ये क्या था, नाउ इट्स एमसेल टाइम। मिक्सी 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 भैंस का। आप फेविक्विक का जादू देखो क्या ही रिएक्शन हो रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे फुकम फुके हो रहा है ये मेरे को मजा आ रहा है। तो फाइनली देखो हमने इसे घिस घास लिया है, अभी तो बस आधा घंटा ही हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा एमसेल सूख गया है बढ़िया तरीके से, तो इसलिए हमने थोड़ा सा घिस घास लिया है क्योंकि अगर फुल सूख जाए ना तो भाई तब तुम घिस घास भी नहीं पाओगे इतना हार्ड हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा घिस दिया है और इसके चारों ओर ऐसा दिख रहा है हमारा बेब्लेड कतई टपा का, अरे मजा ही आ गया देख के। ये देखो भग गया लेकिन बना तो है बढ़िया बेब्लेड, खुद ब खुद आ भी गया, देख सकते हो ना बेब्लेड इसमें अगर हम थोड़ा सा कलर लगाए ना चुम्मी ले लोगे तुम इस बेब्लेड की। तो देख सकते हो बढ़िया हुआ है, वर्ल्ड्स बेस्ट बेब्लेड है ये, मजाक समझे चुका। ओ भाई साहब फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे एक पेगासस का फाइट कराते हैं। ओ भाई बढ़िया एकदम बढ़िया, बोला था ना राउंड शेप है तो ये अटैक नहीं कर पाता, ये बस ऐसे छोटे छोटे धक्के धक्के मार के फिर काम कर सकता है। और हाँ ये कुछ कुछ सिमिलर नहीं लग रहा पेगासस से, मेरे को तो बहुत सा सिमिलर लग रहा है। यहाँ पे अगर ये स्टिकर में यहाँ पे लगा दूँ ना फुल टू पेगासस बन जाएगा ये। ऐसा